बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप ठीक होंगे। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। आप देख सकते हैं कितनी तेज़ बारिश हो रही है और इस मज़ेदार से मौसम में हम बनाएंगे मज़ेदार पकौड़ा, चिकन पकौड़ा की रेसिपी मैं आपसे शेयर करूँगी। लेकिन मैंने सोचा मैं आपसे, बारिश हो रही है, ये भी छोटी सी क्लिप शेयर कर देती हूँ। अब देख सकते हैं बहुत ही तेज़ बारिश हो रही है, आसमान पे गहरे बादल छाए हुए हैं। चलिए आइए अब हम पकोड़ा बनाने की तैयारी करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है चिकन बोनलेस 1 kg, प्याज 1 मीडियम साइज़ का स्लाइसेस में ब्रिक चॉप कर लिया, धनिया सब्ज़ धनिया 3 टीस्पून, पुदीना 1 टीस्पून, सब्ज़ मिर्चें 2 टीस्पून, लेमन 2, इनका हम जूस इसमें डालेंगे, स्पाइसेस कुटी लाल मिर्च 1 टीस्पून, सूर्ख मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून, गरम मसाला 1/2 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, अजवाइन 2 पिंच, नमक 1 टीस्पून। ये सारे स्पाइसेस मैं इसमें डाल दिए। इसी तरह से मैं इसमें चॉप किए हुए प्याज डालूंगी। धनिया और पुदीना डालूंगी इसमें, सब्ज़ मिर्चें डाल के लेमन का जूस इसमें हम ऐड करेंगे और बेसन हम इसमें ऐड करेंगे। आपके सामने मैं ये सारा बैटर तैयार करूंगी, बहुत ही मज़े के ये पकोड़े बनेंगे। इसमें मैंने 2 पिंच मीठा सोडा भी डाला था, सॉरी वो मैं स्पाइसेस में आपको बता नहीं सकी। बेसन हम थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे ताकि हमें जितने की ज़रूरत है हम उतना ही इसमें ऐड कर सकें, ज़्यादा ना डाल सकें। अब मैं इसको पहले मिक्स करूंगी और फिर हम इसमें बेसन ऐड करेंगे। बेसन डाल रही हूँ, 2 टीस्पून मैंने इसमें बड़े चम्मच आप देख सकते हैं ये वाले डाले हैं। इसको अच्छी तरह से मिक्स करूंगी, अगर ज़रूरत हुई तो डालूंगी। आप देख सकते हैं इसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, पानी की मुझे बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ी इसमें। अगर आपको पानी की ज़रूरत पड़े तो आप थोड़ा सा पानी इसमें ऐड कर सकते हैं। अब मैं पैन में ऑयल डाल दिया, ऑयल अच्छी तरह से गर्म होता है तो हम पकौड़े बनाएंगे। ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो चुका है, अब मैं इसमें डालती जाऊंगी। आप चम्मच की मदद से या हाथ की मदद से किसी तरह भी डाल सकते हैं। हम इन्हें मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे, बहुत ही मज़ेदार ये पकौड़े बनेंगे। आप देख सकते हैं कितना प्यारा गोल्डन कलर आया है। अब हम इनको निकाल लेंगे और इनकी फाइनल लुक आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। मज़ेदार चिकन पकौड़ा की रेसिपी बनकर रेडी हो चुकी है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा,
कमेंट कीजिएगा, बेल आइकन का ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। और बारिश के मौसम में ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप इसे दही की चटनी के साथ, केचप के साथ किसी तरह भी सर्व कर सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।